चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट है फ्रॉम लास्ट टू क्लासेस? बताओ, किसी को डाउट है तो? ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ा था और आयनिक सॉलिड्स पढ़ा था। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तीन टाइप के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। इन तीनों के बारे में क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया था। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा। नॉन पोलर में जो बॉन्डिंग होती है वो अट्रैक्टिव जो फोर्सेस होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो डिस्पोजन और लंडन फोर्सेस होती हैं। पोलर में डायपोल डायपोल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। कुछ एग्जाम्पल्स तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। फिजिकल नेचर मैंने बताया था, ये दोनों सॉफ्ट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड इज आइस, उससे तुम्हें क्लियरली याद रहेगा। साथ में ये तीनों क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। क्यों इंसुलेटर होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर आयंस चाहिए। इन मॉलिक्यूल के केसेस में जो मॉलिक्यूल होता है वो पूरा न्यूट्रल होता है, उनके उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बेसिकली। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो लेट्स मूव टू द आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के बारे में भी मैंने तुम्हें बताया था। आयनिक सॉलिड्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि आयनिक सॉलिड्स किससे बने होते हैं? आयन से बने होते हैं। एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। केटायन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है या कोलम्बिक फोर्सेज होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी तो उसका मतलब है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। आयनिक सॉलिड्स का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। साथ में इनका क्या होता है? एक ब्रिटल नेचर होता है। ब्रिटल नेचर मतलब क्या है कि जैसे ये क्यूब लिया या कोई भी पीस लिया, उसको हथौड़े से मारा, हैमर करा उसे, तो वो पीसेस में टूट जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्रिटल नेचर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब? सॉलिड स्टेट में। तो मैंने ये क्लियरली अच्छे से बताया था कि जो आयंस होते हैं उनके पास जगह नहीं होती मूव करने के लिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। इसी वजह से जो सॉलिड स्टेट होती है उसके पास एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सिंस सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होती है, मतलब आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, देयर फॉर दे आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, सो आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट या मॉल्टन स्टेट में ये बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि लिक्विड की क्या होती है? वॉल्यूम कांस्टेंट होती है लेकिन शेप कांस्टेंट नहीं होती, या हम लोग बोल सकते हैं शेप डेफिनेट नहीं होती। शेप डेफिनेट नहीं होने की वजह से जो आयन्स होते हैं उनके बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी कम होती है। कम होने की वजह से आयन्स एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। फॉर द सेम रीजन आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? मॉल्टन या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, साथ में एक्वस स्टेट में भी। एक्वस स्टेट में भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वस स्टेट का एक्वस का मतलब क्या है? इन वाटर। ओके, फिर मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ये वाटर क्या है? H2O मॉलिक्यूल, और H2O के पास ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ना ही उसके ऊपर कोई चार्ज है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। सिंस उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जो पानी हम लोग पीते हैं उसके अंदर बहुत सारे आयन्स होते हैं और ये आयन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। सो डिस्टिल वाटर और डीआयनाइज वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी नॉर्मल और टैप वाटर
टैप वाटर मतलब जो नल से जो पानी आ रहा है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बॉटल्ड वाटर, जो मिनरलाइज्ड वाटर होता है, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होती है? ड्यू टू आयंस। तो डिस्टिल वाटर, डीआयनाइज वाटर हम लोग पी नहीं सकते हैं। डिस्टिल और डीआयनाइज वाटर लैब्स में यूज होता है, और साथ में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके अंदर पानी डाला जाता है, वो भी क्या होता है, डिस्टिल या डीआयनाइज वाटर उसके अंदर डाला जाता है। मूविंग फर्दर, हम लोगों को दूसरा क्या पढ़ना है? हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ चुके हैं, ये हो गया। आयनिक सॉलिड्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट मेटालिक सॉलिड। सो मेटालिक सॉलिड्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे जो मेटल्स हैं ये हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं इन्हें। सो मेटालिक सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? चलो पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले होते हैं ये लस्चरस होता है। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? एक तरीके की चमक होती है, जैसे तुम सिल्वर या गोल्ड देखोगे वो चमकते हैं, और उसमें जो शाइन होता है, शाइन या शिमर बोल सकते हैं, इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जो मेटल होते हैं उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, कंपैरेटिवली उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवेबल होते हैं, मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये आराम से चल सकते हैं। तो कैसे चलते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में मॉलिकुलर लेवल पे अभी आऊंगा, ठीक है। लश्रस होते हैं मतलब इनमें चमक दिखेगी, जैसे तुम स्टील देख लो जो चमक होती है, तुम अपना फेस देख सकते हो, सिल्वर गोल्ड उनमें भी चमक होती है, ठीक है। वो क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लश्र। ये क्या होते हैं, थोड़े शाइनी या लश्रस होते हैं, जैसे वुड और प्लास्टिक है, उनमें कोई चमक या शाइन नहीं होती है। ओके, दे आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है? बहुत अमेजिंग या बहुत अच्छी सी आवाज आती है, तो जैसे विंड चाइम्स होती हैं उसमें तुमने देखा है मेटल की रॉड्स लगी होती हैं और फिर वो बजती हैं तो कितनी अच्छी साउंड आती है, या फिर जो घर में बर्तन है वो गिरते हैं तो उनकी क्या होती है, बहुत तेज आवाज आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोनरस बोलेंगे, मतलब आवाज। दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। डक्टाइल का मतलब क्या है यहाँ पे? दे कैन बी कास्ट इन टू वायर्स। इनको हम लोग वायर्स में कास्ट कर सकते हैं, मतलब मेटल की तारे बना सकते हैं हम लोग। सो जो मेटल होता है वो डक्टाइल होता है, तुमने देखा होगा कॉपर वायर्स, सिल्वर वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स और गोल्ड वायर्स, ये सारी वायर, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है, डक्टिलिटी होती है, या डक्टाइल हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड को। मतलब क्या है कि कंपाउंड को हम लोग कास्ट कर सकते हैं या मोल्ड कर सकते हैं, किसमें, वायर में, तो मतलब इसकी वायर बना सकते हैं। अब लकड़ी की वायर नहीं बनती है, तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, लकड़ी को तुम घिस घिस के उसकी वायर नहीं बना सकते, और साइमल्टेनियसली प्लास्टिक की भी वायर इस तरीके से नहीं बना सकते, उसको पहले फाइबर में करना पड़ेगा, ठीक है। प्लास्टिक अगर तुमने लिया है तो उसको घिस के या उसको मोल्ड करके तुम एक पतली वायर प्रॉपर उस तरीके से नहीं बना सकते, ठीक है। नायलॉन की बनती है, नायलॉन इज अ पॉलीमर। डक्टाइल होते हैं मतलब इसको हम लोग कास्ट कर सकते हैं इंटू वायर, साथ में मेलेबल होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इंटू इंटू थिन शीट्स। इनको हम लोग शीट्स में, पतली पतली शीट्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं,
जो जिसमें खाना हम लोग पैक करते हैं, ठीक है, सिल्वर शीट हो गई, जो मिठाइयों के ऊपर एक पतली सी शीट आती है, मतलब पतला सा एक, क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर उसको क्या बोलते हैं, तो वो पतले पतले मिठाइयों के ऊपर लगा होता है, गोल्ड की होती है, कई बार सिल्वर की होती है। सो ये सारे क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स को हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली पेजेस, जैसे पेजेस होते हैं उस तरीके के फॉर्म में हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबल, ठीक है। नेक्स्ट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसमें, इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सॉलिड स्टेट में जब वो मेटल होते हैं प्रॉपर तब भी, और कब, जब वो मेल्ट मॉल्टन स्टेट में होंगे या फिर एक्वस स्टेट में, या उसको मतलब हमने डिजॉल्व कर दिया उस केस में भी। तो दोनों ही केस में जो मेटल होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, रीजन बीइंग दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। सो ये क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर जाते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाइंड नहीं होते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो मेटल्स क्या करते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और साथ में दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल, क्योंकि वो हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। आई गेस दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है मेटल। तो मेटल में जो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, तो इसके तीन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, एक और एल्यूमिनियम है, उसकी भी तीन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस तरीके से है। तो ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इधर से इधर मूव कर जाते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ मूव कर गया, तो यहाँ मूव कर गया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होल प्रोड्यूस हो गया, इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव होल, इलेक्ट्रॉन्स में बना देता हूँ, और ये आगे मूव करके फॉर एग्जाम्पल बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जहां पे थे वो वहीं रहेंगे। अब बात आती है पॉजिटिव होल क्या है। पॉजिटिव होल इज जस्ट अ वैकेंट स्पेस, सिर्फ खाली स्पेस है, ठीक है। पॉजिटिव को इसलिए हम लोगों ने इसको नाम पॉजिटिव होल इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो जब वो अपनी जगह से हट जाता है तो एक खाली स्पेस बच जाता है, उस खाली स्पेस को पॉजिटिव होल बोला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, कि पॉजिटिव होल का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव है, इट जस्ट कि इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करके और जगह क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। सो ये पॉजिटिव होल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और पॉजिटिव होल क्या है, कुछ नहीं है, एक जस्ट वैकेंट स्पेस या खाली स्पेस है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पॉजिटिव होल दिखता है, अब देखो इसका नाम पॉजिटिव इसलिए रखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे कूदता है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहीं आएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों जंप करता है, जंप करने का रीजन ये है कि ये नेगेटिव होता है, और ये जब हमेशा इधर इस पॉइंट पे मूव करेगा, मैं दूसरा पेन
कलर लेता हूँ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ पे मूव करेगा, जंप करेगा, तो नेगेटिव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, इट्स जस्ट उसका नाम इस वजह से रखा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह छोड़ के जाता है तो वहाँ पे खाली स्पेस हो जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको भरने की कोशिश करता है। ओके सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, सो ये इधर तो ये वाली जो जगह है वो भर गई, लेकिन ये वाली जगह क्या हो गई, खाली हो गई, तो पॉजिटिव होल यहाँ पे क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से मूव करता जा रहा है, और मूव करते करते वो अपनी जगह खाली छोड़ता जाएगा, जगह खाली छूटती जाएगी तो पॉजिटिव होल क्या करेगा, इस साइड मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन मूव, मैं ये बोल सकता हूँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसको मैं बोल सकता हूँ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल। तो पॉजिटिव होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमें पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। सो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। करंट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही है। सो इलेक्ट्रिसिटी मूव कर दे, क्योंकि हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी आयन मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। सो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता जाता है, मूव करने की वजह से एक पॉजिटिव होल जनरेट होता है, और ये पॉजिटिव होल बेसिकली दूसरी डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है मूव पॉजिटिव होल नहीं कर रहा, मूव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बस खाली जगह बनती चली जा रही है। ठीक है, सो ये एक वर्च्यू हो गया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से खाली स्पेस जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वे फर्दर मूव करेगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होल क्या करेगा, हमें बार बार इस साइड पर इस डायरेक्शन में दिखेगा। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल, मतलब करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो ये चीज हमें याद रखनी है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव होल की जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वही करंट की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। सो यहाँ पे बताने का मतलब क्या, जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ये था कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन के समुद्र में। ठीक है, तो जैसे अब मैं कोई और ले लेता हूँ, कौन सा लूँ, आयरन ले लेता हूँ। ठीक है, तो आयरन के पास क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 खाली इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे लगे होंगे, 3 4 5 6, और भी आयरन होंगे ऐसे 6 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसको हम, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, जो जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, और इनके जंप करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी मैं ये लिख सकता हूँ, द कलर द लश्य ऑफ द मेटल इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स।
ये जो लश्चर होता है ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो कोई भी मेटल है जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होगा, हमेशा लश्चरस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ट्रांजिट कर जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या करेंगे, ट्रांजिशन हो जाएगी, वो ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये वापस नीचे आएंगे, और जब वो वापस नीचे आते हैं तो फिर वो रेडिएशन छोड़ते हैं, और ये जो रेडिएशन जब ये छूटती है तो वो कहाँ जाती है, विजिबल रीजन में जाती है। तो जिन मेटल के पास जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दे आर नॉन लश्चरस, इनके पास लश्चर या चमक नहीं होती, शाइनिंग नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो इनके बीच में जो गैप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग होमो, और इसको हम लोग बोलते हैं लूमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता चला जाता है, और जब वो कम होता चला जाता है तो जब वो वापस आते हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन, जो रीजन होता है विजिबल रीजन में इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो उसकी वजह से वो क्या करता है, शाइन करता है, ठीक है। तो तुम्हें बस यही याद रखना है, जो मेटल का जो लश्चर होता है इट इज बेसिकली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। तो पहली चीज जो हमें बतानी है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मेटल न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें पता है दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, पेयर कर जाते हैं, और इनको अनपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। सो इनको अनपेयर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी के लिए मतलब क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर। सो जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख रहे हैं ये क्या कर जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, ठीक है। एक का स्पिन इस डायरेक्शन में, दूसरे का स्पिन इस डायरेक्शन में, तो ये पेयर हो गए तो वो स्टेबलाइज भी हो जाते हैं, और फिर अगर तुम्हें इनको अलग अलग करना है तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा। सो इसको हम लोग समटाइम्स बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी। तो देखो दो टाइप का अटैचमेंट होता है, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव होता है सेम टाइप, ठीक है। तो मतलब एक आयरन है और वो दूसरा आइटम आयरन के साथ चिपक रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम लोग कोहेसिव बोलेंगे, दोनों के बीच में। एडहेसिव का मतलब होता है एक आयरन ले लिया और एक ग्लास ले लिया, सपोज तुमने, तो जब दो अलग अलग मटेरियल होंगे तब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव, और जब सेम टाइप का जो सब्सटेंस है या सेम टाइप का मटेरियल है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको हम लोग बोल देंगे कोहेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन आयरन है और उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ पेयर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको तोड़ने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी। सो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ये जो हमें चाहिए होती है इनको अलग अलग करने के लिए, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो इनको तोड़ना क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। और साथ में ये क्या होते हैं, मेलिएबल एंड तो साथ में क्या होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल भी होते हैं, ये दोनों चीजें हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाँ कंडक्टर भूल गया मैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो डेल्टा है ये साइन होता है हीट का, हम लोग कई बार लिखते हैं एरो के ऊपर, तो ये हीट है।
ओके सो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए मेटालिक सॉलिड्स। अब हमें करना है सबसे इम्पोर्टेंट, विच इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अभी कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या है तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज की जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड इज कोवलेंट। तो बॉन्ड क्या होगा? कोवलेंट होगा। साथ में क्या होगा? नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स कोवलेंट। तो पूरा नेटवर्क बिछा दिया है, मतलब एक एटम है जिसने इधर से बॉन्ड कर रखा है, फिर इसने इधर से भी बॉन्ड कर रखा है, फिर इसने इधर से बॉन्ड कर रखा है, फिर ये इधर बॉन्ड करेगा, इधर बॉन्ड करेगा, इधर बॉन्ड करेगा। तो इसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स, बहुत ही ज्यादा एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको मेल्ट करना है। तो मेल्ट कब होगा? मेल्ट होगा जब मैं इन दो एटम्स को अलग करूंगा। तो इन दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे काफी एनर्जी चाहिए होगी। कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लेकिन हमें पता है आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है कोवलेंट बॉन्ड से। तो जैसे मैं एक NaCl लिख लेता हूँ, तो NaCl को अगर मुझे तोड़ना है और मुझे ये कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, तो NaCl को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा देन कार्बन और कार्बन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक NaCl बॉन्ड तोड़ना है, और यहाँ पे कितने हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा एटम्स है, क्योंकि इन्होंने क्या बना लिया, नेटवर्क बना लिया। नेटवर्क मतलब जाल बना लिया पूरा। तो जाल बनाने की वजह से सारे एटम्स ही हैं, बहुत ज्यादा एटम्स हैं, बहुत ज्यादा एटम्स होने की वजह से बहुत सारे बॉन्ड मुझे एक ही बारी में तोड़ने पड़ेंगे। तो अगर ये एक NaCl है और एक NaCl है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो NaCl को अलग करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे पास एक NaCl है और मेरे पास 1000 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, समझ रहे हो? तो 1000 कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू अ सिंगल NaCl बॉन्ड। तो एक NaCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन बहुत सारे CC बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे नेटवर्क बनाना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि ये नेटवर्क बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं। जाल बनाने के लिए मतलब एक एटम दूसरे से अटैच हुआ है, दूसरा तीसरे से अटैच हो रखा है, तीसरा चौथे से अटैच हो रखा है, तो उनको अलग करना क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ये इसकी वजह से दे आर वेरी मच हार्ड। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैं लिखूंगा हार्ड, और आई वुड से हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन नेचर, नेचर में पाए जाने वाले हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन से होते हैं? कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं। देखो, ये कोवलेंट सॉलिड नहीं है। कोवलेंट सॉलिड क्या होगा, कोवलेंट एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो कहाँ है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। वो मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स बने हैं वो कौन से हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे H2O हम लोगों ने पढ़ा था, HF हम लोगों ने पढ़ा है, या HCl हम लोगों ने पढ़ा है। ये जब बॉन्ड्स बनाएंगे तो इनके बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, और इनको तोड़ना क्या है, बहुत ही आसान है। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, या पोलर इंटरेक्शन होंगे, या नॉन पोलर इंटरेक्शन होंगे, वो बहुत आराम से टूट जाते हैं। यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो इन कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। एक बॉन्ड को तोड़ना फिर भी आसान होता है, लेकिन हजार या करोड़ बॉन्ड्स को एक साथ तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, एंड दे जनरली डीकम्पोजेस।
बिफोर मेल्टिंग। तो मेल्ट होने से पहले ही ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या जल जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक पेपर लो और तुम उसको गर्म करो, तो तुम उसे गर्म करोगे गर्म करोगे गर्म करोगे, तो पेपर पिघल जाएगा। पेपर तो पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो मेल्ट नहीं हो सकता। सो हमें पता है एक कागज को तुम मेल्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा कि वो जल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो पेपर है वो डीकम्पोज हो गया मेल्ट होने से पहले। तो पेपर का भी कोई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था। जैसे तुम प्लास्टिक को करोगे तो प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वो जलना स्टार्ट करेगा। लेकिन पेपर या वुड के केस में क्या होता है कि वो मेल्ट नहीं करते, वो सीधा क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर वो सीधा टूट जाते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि वो डीकम्पोज कर जाते हैं, टूट जाते हैं या जल जाते हैं मेल्ट होने से पहले। तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और दे जनरली डीकम्पोज, और वो जनरली डीकम्पोज कर जाते हैं मेल्ट होने से पहले। ओके, सो हार्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, डायमंड। तो हमें पता है डायमंड एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, और ये क्या होता है, एक कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड होता है। तो ये कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और डायमंड को तुम पिघला नहीं सकते हो। ठीक है, वो जल जाएगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। दूसरा, व्हाट वाज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ओवर अर्थ, हम अर्थ पे या नेचर में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है वो, यस इट वाज सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है, और वो भी क्या है, एक कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है, सो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के नेटवर्क बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं, और फिर उनको सबको अलग अलग करना क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनको तोड़ना मुश्किल है, वो टूटेंगे नहीं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जबरदस्त होता है। ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली बैड कंडक्टर्स। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हद से ज्यादा होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, सो इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तुम्हें पता होगा क्या होता है, ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है उसकी जो नेब होती है, जो जैसे तुम लिखते हो, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। सो ये जो ग्रेफाइट है ये एकदम ही अलग होता है। अब ग्रेफाइट बनना क्या है, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो ये क्या है, कार्बन से बना हुआ है। एंड डायमंड इज ऑल्सो अ डायमंड भी तो कार्बन से बना होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग होती है, बहुत सारी बेंजीन रिंग होती है, और वो सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। अब तुम्हें तो दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूल अगर इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसे तोड़ना क्या होगा, बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा। सो लेट मी कंसिडर कि मैं एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूँ ग्रेफाइट का। सो ये ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट की लेयर्स होती है, ये लेयर 1 है, इसके नीचे एक दूसरी लेयर होगी, तो इसके लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है। अब इनके लेयर के स्ट्रक्चर की वजह से ही हम लोग लिख पाते हैं, कैसे, आई विल टेल यू।
ठीक है, सो ये लेयर वन है और ये लेयर टू है। तो इसका क्या होता है, लेयर्स होती हैं। अब इसमें क्या है कि कार्बन के पास अगर मैं बेंजीन रिंग देखूं तो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, चार वैलेंसी होती है, चार बॉन्ड बना देते। तो इसने एक बनाया इधर, एक बनाया इधर, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। अब एक साथ में यहाँ पे भी वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, तीन बॉन्ड इसने ये बना लिया। इधर भी क्या हो गया, तीन तीन बॉन्ड सबके बने हुए, लेकिन उसका जो चौथा वैलेंसी होता है वो खाली होता है। तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है इनके बीच में। ठीक है, तो हर कार्बन के पास एक खाली इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। तभी तो ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। बनने करेगी तो इसे तो कार्बन के अंदर क्या होता है, चार वैलेंसी होती है, तो तीन बॉन्ड ये अलग अलग कार्बन से बना लेते हैं। यहाँ पे भी क्या है, एक बेंजीन रिंग है। सो नॉर्मल बेंजीन रिंग में क्या होता है, C6H6 होता है, ये छह हाइड्रोजन होता है। लेकिन ये इधर क्या है कि एक बेंजीन रिंग बाकी बेंजीन रिंग से अटैच है, तो यहाँ पे सबके पास हाइड्रोजन हटा के कार्बन ही होता है। ठीक है, तो इसके आगे भी ये 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे भी वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे क्या है, अभी मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, तो मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे होती है। तो अब ऐसे थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इन्होंने तीन बॉन्ड बना लिया और चौथा बॉन्ड क्या होता है, ये बना होता है। और ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास क्या होते हैं, खाली पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बनाऊँ, 1 2 3 4 5 6, सो इधर ये इधर बॉन्ड बना है, इधर बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड इधर होगा, एक बॉन्ड इधर होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो इसको इधर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है, उसके पास चार बॉन्ड पूरे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, अपना बॉन्ड दूसरी तरीके से बनाता है, तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ के इसको आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। और रेजोनेंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है, सो ग्रेफाइट पहली चीज क्या है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट क्या है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे, तुमने ड्राई सेल पढ़ा होगा या पेंसिल सेल पढ़ा होगा, जो रिमोट्स वगैरह में या काफी जगह पे यूज करते हैं, क्लॉक वॉल क्लॉक वगैरह में यूज करते हैं। तो उसके अंदर जो होता है ग्रेफाइट रॉड होती है। ग्रेफाइट क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, बिकॉज टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं। मूव करते करते क्या होता है, सारा इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। तो ग्रेफाइट क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जितने भी नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट क्या होता है, इट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है। और बाकी जो सारे हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, ये सॉफ्ट होगा और ये हार्ड होगा। सॉफ्ट हार्ड मैं इसलिए बता सकता हूँ कि ये जो लेयर है और इन लेयर्स के बीच में क्या है, गैप है। और इन लेयर्स के बीच में जो फोर्सेस हैं ये क्या है, वन डबल फोर्सेस। अब तुम्हें पता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़े थे, तो वंडरवॉल फोर्सेस एक तरीके की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर हो गई,
तो इस लेयर को इस लेयर से अलग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बहुत कम एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर से अलग हो जाती है। अलग हो जाती है तो वो आराम से टूट सकती है, ठीक है। मेल्ट अभी भी नहीं होगी, मेल्टिंग पॉइंट इसका भी बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें हमें एक कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम से अलग करना है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने बॉन्ड्स कार्बन ने बना रखे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लेयर को दूसरी लेयर से अलग करने के लिए हमें बस थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये क्या होगा, जो ग्रेफाइट है वो बहुत आराम से टूट जाएगा। तो आराम से टूट जाएगा मतलब ये सॉफ्ट होता है। और डायमंड क्या होता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन, तो हर कार्बन क्या करता है, चार बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है। अब सारे बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं तो एक एटम दूसरे, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर लेयर, एक लेयर वाला स्ट्रक्चर है, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर, यहाँ पे सारे एटम्स क्या है, एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हैं। तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, हार्ड है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर से आराम से अलग हो जाती है, अगर हम लोग थोड़ी सी एनर्जी उसको दे दें, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा जिस पेंसिल से तुम लिखते हो उसका जो निब है वो बहुत आराम से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, उसकी एक लेयर क्या होती है, दूसरी लेयर से अलग हो सकती है बहुत आराम से, ठीक है। दूसरा है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन के पास डायमंड के केस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे क्या थे, डबल बॉन्ड थे, और डबल बॉन्ड क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर ये इधर मूव करते हैं तो ये वाला इधर मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। थर्ड थिंग इज दे एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट, तो ये लुब्रिकेंट की तरह ऐड कर सकते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम क्रीम वगैरह लगाते हो, मॉइस्चराइजर, दैट इज लुब्रिकेंट। तो वो क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट कर देता है। तो जो मशीन्स होती हैं तो उनमें तुमने देखा होगा कि अगर वो एक दूसरे से टकरा रही हैं या कुछ काम कर रही हैं तो कुछ टाइम बाद उनमें जंग लग जाता है। तो उस जंग ना लगे तो उसके लिए हम लोग क्या डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं। लेकिन ऐसी मशीन्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर रही हैं, कैसे टेम्परेचर पे, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूँ 1000 डिग्री सेल्सियस पे काम करें, तो अगर मैं उसके बीच में तेल डालूंगा तो क्या होगा, वो तेल क्या करेगा, उड़ जाएगा, डिकम्पोज जाएगा। तो ये ल्यूब्रिकेंट जो ऑयल है या मैं क्रीम जो यूज कर रहा हूँ वो काम नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पे। लेकिन ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, 2000-3000 के आसपास होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट क्या कर सकता है, लुब्रिकेंट की तरह काम कर सकता है। अब कैसे काम कर सकता है, कि इनकी जो लेयर्स होती है इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। तो क्या होता है कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फिसल सकती है। अगर वो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर अगर वो फिसल रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं घुस जाएंगे, ठीक है, बहुत पास आ जाएंगे तो वो टूट जाएंगे। तो अगर ये क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और गैप होता है, गैप होने की वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। जैसे पानी को हम लोग लेते हैं, बर्नौली थ्योरम पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली जो लेयर है उसकी स्पीड कम है, उससे ऊपर वाली की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसे लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो एक लेयर पानी की, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, फिसल रही है, जिसकी वजह से पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। उसी तरीके से ग्रेफाइट भी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, समझ में आ रहा है। फ्लो क्यों कर सकता है, क्योंकि दो लेयर्स के बीच में खाली गैप है, और इस गैप की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फिसलती हैं। ये जो लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप होता है, लेकिन ये वाली लेयर इस वाली लेयर के साथ बॉन्ड नहीं है, इन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा है, बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो वो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, जिसकी वजह से दे एक्ट एज अ वेरी गुड ल्यूब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर। नहीं, लुब्रिकेंट तो होते हैं लेकिन यूज हम लोग हाई टेम्परेचर पे कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो ऑयल या फिर क्रीम वगैरह जो होती है वो सारी लुब्रिकेंट्स होती हैं। इसी तरीके से ग्रेफाइट भी एक लुब्रिकेंट होता है, लेकिन इस लुब्रिकेंट का काम कहाँ होता है, मशीन्स में
ग्रेफाइट बीच में डाल देते हैं सो दैट मशीन आराम से काम करती रहे। और कौन सी मशीन? जो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करती है, ठीक है, जो 2000-3000 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे ग्रेफाइट हमारे काम आता है एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि बाकी सारे लुब्रिकेंट उस पॉइंट पे जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ओके, सो डायमंड का हम लोगों ने बता दिया, हार्ड होता है, ये लुब्रिकेंट की तरह काम ही नहीं कर सकता और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो जरा। मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो लेट्स डू थ्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नहीं, पहले स्लाइड 1 पे जाते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स की बात कर ली। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? आयन होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स होती है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, हार्ड तो होते ही हैं, साथ में ये बहुत आराम से टूट जाते हैं। और इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट मॉल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है? हाई होता है। मेटल की बात करेंगे तो इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। होता क्या है, ये जो पॉजिटिव आयन या जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है? डीलोकलाइज होता है, तो मतलब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में तैर रहा होता है ये जो पॉजिटिव या जो एल्यूमिनियम या आयरन का मैंने जो न्यूक्लियस बना के दिखाया वो। तो इसलिए हम लोग जनरली मेटल को बोलते हैं कि एक आयन है या एटम है जो कि क्या कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन के सी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज यूज करी, डी लोकलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लोकलाइज मतलब एक ही जगह पे रहना, डी लोकलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बॉन्डिंग जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है इसको मेटालिक बॉन्डिंग या नॉर्मल कोहेसिव बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है पता ही है तुम्हें, बहुत सारे हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया। मलेबल का मतलब क्या है कि हम उसे थिन शीट्स पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है, उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में और मॉल्टन स्टेट में, दोनों में। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। तुम आयरन या सिल्वर के उससे एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल है SiO2, क्वार्ट्स मतलब जो ग्लास होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट। ये ठीक है, ग्रेफाइट को इन्होंने अलग लिखा है क्योंकि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज सारे अलग सबसे अलग होती है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन है। सो ये सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ग्रेफाइट ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट होता है और क्या होता है, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो आराम से कंडक्ट कर पाता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका भी बहुत हाई होता है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, चार टाइप के सॉलिड्स होते हैं। तो अब हम लोग वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1.7 है। सॉलिड ए, मेरे पास ए सॉलिड है विच इज हार्ड, बहुत हार्ड है, इंसुलेटर है, इन सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्टन, और मेल्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है। अब हमें बताना है किस टाइप का सॉलिड है। तो पहली चीज हार्ड है और मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो चार हैं। एक तो हमारे पास है मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवलेंट नेटवर्क।
चेक करते हैं क्या है। पहली चीज़, हार्ड है और मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तो नहीं हो सकते क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये क्या है, इंसुलेटर है सॉलिड में भी और मॉल्टन में भी। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टर नहीं होते, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मॉल्टन स्टेट में करते हैं, तो ये आयनिक भी गया और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। तो क्या बचा हमारे पास, कोवलेंट नेटवर्क। तो ये जो सॉलिड है ये क्या है, दिस इज कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो ये किस तरीके का है, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है क्योंकि इंसुलेटर है सॉलिड और मॉल्टन स्टेट में भी। तो ये वाले भी होते हैं, इंसुलेटर होते हैं सॉलिड और मॉल्टन स्टेट में भी, और एक ये वाले होते हैं। लेकिन सिंस इसका हार्ड भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो ये मॉलिक्यूलर नहीं हो सकते क्योंकि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है, लोएस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 1.7 हो गए। 1.8 देखते हैं। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। तो ये एक्सप्लेन करना है कि आयनिक सॉलिड मॉल्टन स्टेट में या जब लिक्विड स्टेट में होते हैं तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते। तो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में एटम्स के पास, सॉरी आयन्स के पास जगह नहीं होती मूव करने के लिए। तो अगर उनके पास जगह नहीं है और अगर वो मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, या तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या आयन होना चाहिए, और दोनों मूव करने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करो। तो अगर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, फ्री आयन भी हैं, और अगर वो मूव नहीं कर पा रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो यानी जब सॉलिड स्टेट में होता है तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आयन्स मूव नहीं करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। वट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। तो कौन से ऐसे हैं जो मेलिएबल और डक्टाइल भी हैं, साथ में कंडक्टर भी हैं, ऑब्वियसली मेटालिक, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स ही एक ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी पतली पतली शीट्स भी बनाई जा सकती हैं और जिनको वायर में भी कंडक्ट किया जा सकता है। और उन वायर्स को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर या आयरन की वायर हम लोग जनरली यूज करते हैं। क्लियर। सो ये आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टाइप ऑफ सॉलिड्स। अब हमें थोड़ा सा और क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है कि क्रिस्टल कितने तरीके के होते हैं और कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।